કોંગ્રેસ પાર્ટી એકસો છે. नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव 2014 महासमर और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय. बात देश में सबसे अधिक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की. जी हां, अगर हम बात करें सबसे अधिक अगर सत्ता में राज किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी. लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसी के चलते कांग्रेस पार्टी का एक तबका ये मानने को अब तैयार हो गया है कि उन्हें तीसरे मोर्चे की सरकार को बनाने के लिए समर्थन कर लेना चाहिए. लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी आखिरकार क्यों परहेज कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन देने के लिए. बहुत बड़ा सवाल, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए. लोकसभा चुनाव के दो चरण बाकी हैं और इससे पहले ही इसके संकेत दिए जा रहे हैं कि सत्ता के लिए जीत से पहले और सत्ता भोगने के लिए जीत के बाद के गठबंधन में खासा बदलाव तय है. एक तरफ तीसरे मोर्चे की कवायद हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर यूपीए को सरकार बनाने लायक नंबर नहीं मिले तो कांग्रेस विपक्ष में बैठना पसंद करेगी. हालांकि पार्टी पोस्ट पोल अलायंस पार्टनर ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी लेकिन तीसरे मोर्चे को समर्थन देने जैसी बातों पर पार्टी में एक राय नहीं है. इससे पहले सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस तीसरे मोर्चे को अपना समर्थन देकर सरकार बनवा सकती है. कांग्रेस में इस उहापोह की हालात के पीछे के कारणों पर नजर डालें तो एक तो ये है कि पार्टी 100 या 110 से आगे जाती नहीं दिख रही. अपनी पतली हालत के चलते कांग्रेस को पता है कि सत्ता इस बार आसान नहीं. और दूसरा ये है कि अलायंस पार्टनर अपने अपने हिसाब से खींचतान करेंगे जिससे यूपीए की बदनामी और बढ़ सकती है. ऐसे में सत्ता से दूर रहना ही बेहतर विकल्प होगा. लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहती है, इसलिए पार्टी नेताओं के एक तबके को लगता है कि बाहर से समर्थन देकर भी तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए. लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल इसके लिए तैयार नहीं. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राहुल को परहेज क्यों है? क्या कांग्रेस को हार का अंदेशा हो चुका है? तो जब जब कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत का डर सताने लगा है और उन्हें ये एहसास होने लगा है कि पूर्ण बहुमत उन्हें शायद नहीं मिल पाएगा, तब तब कांग्रेस पार्टी ने तीसरे मोर्चे को आगे किया है, तीसरे मोर्चे का सहारा लिया है. ऐसे कई उदाहरण हैं. सवाल ऐसे में ये है कि क्या एक बार फिर से अपने पुराने इतिहास को या पुरानी नीति को अपनाने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी? लेकिन साफ इनकार राहुल गांधी ने कर दिया है, तैयार बिल्कुल भी नहीं है तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने को समर्थन को देने के लिए. तो सवाल ऐसे में ये है कि आखिरकार राहुल गांधी को परहेज क्यों है और क्या राहुल गांधी को अंदेशा हो गया है, क्या कांग्रेस पार्टी को अंदेशा हो गया है कि हार अब उनके सामने खड़ी है? हम जानेंगे. हमारे साथ कांग्रेस लीडर घनेन्द्र भारद्वाज जी हैं. सर, स्वागत आपका. और बीजेपी की तरफ से अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे. सबसे पहले घनेन्द्र जी, आपके पास क्या समर्थन दे रहे हैं आप तीसरे मोर्चे की सरकार को बनाने के लिए? देखिए अनीता जी, अभी तो थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज भी नहीं है मैदान में, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है 2014 का, ये एनडीए और यूपीए में हो रहा है. और हमें इस बात का पूरा विश्वास है, कल राहुल जी ने भी बोला है कि कहीं कोई बात नहीं है, हम तीसरी बार फिर से यूपीए थर्ड की सरकार बनने जा रही है, कहीं किसी तरीके की कहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. और बहुत बढ़िया प्रदर्शन, पिछले 2009 से भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और यूपीए करने जा रही है. चलिए, हम सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बहुत लंबे समय से तीसरे मोर्चे को कवर करते हुए आ रहे हैं. अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे. सौरभ, आप हमें ये बताएं, क्या तीसरे मोर्चे को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस पार्टी में इस बीच अंतर कलह दिखाई दे रही है आपको?
जी देखिए साफ तौर से अनीता, कांग्रेस में दो धड़े इसमें हो चुके हैं। एक धड़ा जो सीनियर लेवल का है, कपिल सिब्बल की बात करूं, सलमान खुर्शीद बात करूं या चिदंबरम की बात करूं, वो चाह रहे हैं कि मोदी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे को समर्थन देना जरूरी है। और दूसरी तरफ से कांग्रेस के जो युवराज हैं, राहुल गांधी हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को अगर सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठे, ना कि तीसरे मोर्चे को समर्थन दे। तो इस कांग्रेस पार्टी में खुद अंतर्द्वंद चल रहा है। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठे, अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका एक गलत संदेश जाएगा। आपने देखा होगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक देश में शासन किया है। तो राहुल गांधी इस पर लगातार, आपने देखा होगा राहुल गांधी के बयान चुनाव से पहले देखा होगा, जयराम रमेश का बयान आया है, तो ऐसे लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार जान रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं से वहां बातचीत हुई, उनका कहना था, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई, सब तो सही लग रहा था कि राहुल गांधी 2019 की तैयारी कर रहे हैं। कई बार आपने जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में, सौरभ क्या भविष्य आप देख रहे हैं तीसरे मोर्चे का? कि देखिए तीसरा मोर्चा इसमें काफ़ी बिखरा हुआ लग रहा है आपको। तीसरे मोर्चे में जितने नेता हैं उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए सबसे से अगर तीसरे मोर्चे को अगर कम से कम 150-250 अगर सीटें अगर एक बात हम मान लिया बजाय कि अगर आ भी जाती है तो उस टाइम उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार वहाँ से उम्मीदवार हैं। नवीन पटनायक की पार्टी की बात करें, बीजू जनता दल की, तो वहाँ से खुद द्वारा हैं। तो जितनी पार्टी के लोग हैं खुद सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन किया था, उसके बाद उनको हटाया, फिर देवेगौड़ा का समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा तीसरे मोर्चे को खड़ी करने का काम करती है, लेकिन चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। नहीं था घनेन्द्र, चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। घनेन्द्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं हार अब उनके सामने खड़ी है, तभी तीसरे मोर्चे को समर्थन देने की बात का जिक्र हो रहा है? देखिए अनीता जी, ऐसी कोई भी बात नहीं, और पता नहीं ये जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट आप कह रहे हो, ये थर्ड फ्रंट नाम की कोई बात ही नहीं है, कोई फ्रंट ही नहीं है। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई फ्रंट तो है ही नहीं। अगर कहीं चुनाव में लड़ाई है 2014 में तो एनडीए और यूपीए की लड़ाई है, थर्ड फ्रंट तो कोई बना ही नहीं है। जिस थर्ड फ्रंट की आप जिक्र कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, वो थर्ड फ्रंट है कहाँ? तो फिर आप ही की पार्टी का एक कब का ये क्यों चाहता है कि तीसरे फ्रंट को? देखिए हमारी पार्टी का क्लियर कट स्पष्ट नजरिया है, कल राहुल जी ने भी उसको बता दिया है कि कहीं किसी फ्रंट को समर्थन देने या लेने का कहीं कोई सवाल नहीं है। यूपीए थर्ड तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है, हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि यूपीए थर्ड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में। बीजेपी लीडर अजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का और पुरानी नीति रही है कि जब भी उन्हें ये एहसास हुआ है कि पूर्ण बहुमत उन्हें नहीं मिलने वाला है तो तीसरे फ्रंट को उन्होंने अक्सर आगे किया है, तो क्या लगता है आपको इस बार भी वही इतिहास वही नीति दोहराने वाली है कांग्रेस पार्टी? थर्ड फ्रंट के बारे में ये निहायत कल्पना है जो कि उन 2050 के पहले जो है कहीं दिखती नहीं कि कोई थर्ड फ्रंट बन पाएगी। जी, और दूसरी बात, मायावी लड़ने में कांग्रेस बहुत ही माहिर है, तो जब अपने हारने लगती है तो माया युद्ध का जो है प्रयोग करती है, जिसका ये ग्रुप थर्ड फ्रंट हो सकता है। जी घनेन्द्र जी, राहुल गांधी को क्यों परहेज है? जी राहुल जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट ये फ्रंट जब की बात होती है, जब कुछ ऐसी परिस्थिति हो। आज परिस्थिति सीधी सीधी ये है कि एनडीए और यूपीए में लड़ाई है और यूपीए एनडीए से बहुत आगे चल रहा है और यूपीए थर्ड की तीसरी बार सरकार बन रही है, फिर फ्रंट का मतलब कहां से आ गया? कई सर्वे हम देख रहे हैं और कई सर्वे ये कह रहे हैं, सर्वे आप जो सर्वे देख रहे हैं वो सर्वे हम भी देख रहे हैं, लेकिन सर्वे 2004 में भी हुए थे, सर्वे 2009 में भी हुए थे, अनीता जी सर्वे आपको मिलती हुई, सर्वे 2004 में भी हुए थे, सर्वे 2009 में भी हुए थे, 2004 में भी यूपीए की सरकार बनी, 2009 में भी यूपीए की सरकार,
सरकार बनी। 2014 में भी सर्वे हो रहे हैं, मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से आपको भी विश्वास दिला रहा हूँ, इस देश की जनता को भी विश्वास दिला रहा हूँ कि यूपीए थर्ड की तीसरी बार सरकार बन रही है। कहीं किसी तरीके का शक, कहीं किसी तरीके की कोई सवाल नहीं है। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ यूपीए थर्ड की गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अजय जी, आप क्या कहेंगे, सर्वे पर विश्वास नहीं रखती कांग्रेस पार्टी? गणेंद्र जी ये कह रहे हैं, सर्वे 2004 में भी हुए, 9 में भी हुए, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी। कांग्रेस पार्टी आप इसके अच्छे बच्चे से सुन सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वोटर से समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है क्या जी। छूटता नहीं है तो मौके पर चलिए। अजय जी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ऐसा हो रहा है शायद। गणेंद्र जी, आपने सुना अभी अजय जी को, उनका एक मानना है कि बच्चा बच्चा ये जानता है कि किसकी सरकार आने वाली है और किसकी लहर इस वक्त देश में है। देखिए, कम से कम इस विषय पे हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की जनता ने यूपीए का 10 साल का कार्यकाल देखा है। हमने देश की जनता को अधिकार दिए हैं, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी दूर करी है, शिक्षा का अधिकार दिया, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। हमने 10 सालों में यूपीए की सरकार ने इस बात का प्रयास करा है कि देश में गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को उसका फायदा पहुंचे। हमने आम आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। गणेंद्र जी, आप ये मानने को पता नहीं क्यों इस वक्त तैयार नहीं है, लेकिन ये आप ही का एक तबका है, कांग्रेस पार्टी का एक तबका, जिससे कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है। देखिए, कांग्रेस सत्ता है वो हाथों से खिसकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई ऑफिशियल रिमार्क नहीं आया। अगर किसी नेता ने कोई निजी बात अपनी कोई कही हो तो उसकी कांग्रेस हाईकमान की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस मामले पे किसी भी नेता ने नहीं दिया। कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, जब नहीं आया तो राहुल गांधी की तरफ से क्यों कहा गया है कि उन्हें परहेज है, वो तैयार नहीं है। साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि यूपीए 3 की तीसरी बार सरकार बन रही है, यूपीए फिर से सत्ता में आ रहा है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आ रहा है। और थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये कोई फ्रंट तो है ही नहीं। आप लोग पता नहीं कैसे मीडिया ने उसको फ्रंट का नाम दे दिया, वो कहीं फ्रंट ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ही नहीं है। मुलायम सिंह अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जयललिता अलग चुनाव लड़ रही है। गणेंद्र जी, आपके कह देने में और इस वक्त जो तस्वीर है उनमें जमीन आसमान का फर्क है, ये शायद आप भी जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई फ्रंट चुनाव नहीं लड़ रहा। अगर देश में दो अगर चुनाव कोई अलायंस लड़ रहे हैं, एक यूपीए लड़ रहा है, एक एनडीए लड़ रहा है, आप यूपीए एनडीए की चर्चा कीजिए। जो लोग चुनाव में कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से ही लड़ रहे, आप उन लोगों की चर्चा करने का कोई विषय नहीं है जी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू की तरफ से हारून रसीद जुड़ गए हैं। हारून जी, अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तीसरे मोर्चे को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है, तो ऐसे में आप जो तीसरे मोर्चे को लेकर बैठे हैं, जो उम्मीदें हैं उसकी कवायद को लेकर कहां तक आपकी उम्मीदें पहुंची हैं? अब हारून जी की आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं वो। तो गणेंद्र जी, हम आप ही से पूछ रहे थे, आप ये जरूर कह रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं इस बात का कि जीत हमारी ही पक्की है, चाहे इस वक्त जो भी तस्वीर हो, लेकिन शायद ये आप जानते हैं बोलने में और इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए अनीता जी, आपको हो सकता है मैं संतुष्ट ना कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग क्योंकि फील्ड की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उन तमाम नेताओं का फीडबैक हमारे पास आया है, हमने अपनी इंटरनल जो एजेंसीज हैं उनको लगाया हुआ है, तमाम फीडबैक हमारे पक्ष में आने हैं। क्योंकि लोग नहीं चाहते, इस देश का नागरिक चाहता है कि देश की धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता मजबूत बनी रहे, और देश की एकता धर्मनिरपेक्षता को अगर कोई मजबूती प्रदान करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। और जिस तरीके से दूसरी तरफ के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका काम ही सिर्फ ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, इस देश की एकता को, अखंडता को खतरे में डाला जाए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को चोट पहुंचाई जाए, वो तमाम लोग। चलिए गणेंद्र जी, हमारे साथ जेडीयू नेता एक बार फिर से हारून रसीद जुड़ गए हैं। हारून जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तीसरे मोर्चे को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है, अब ऐसे में आपके तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद कहां तक पहुंची है?
तीसरा मोर्चा उनसे समर्थन मांग कर रही है। तीसरे मोर्चे ने तो ऐलान किया कि हम यूपीए और एनडीए से अलग हमारी ताकत बनेगी और तीसरा मोर्चा इस देश में सरकार बनाने में सफल होगा। हम तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस से परहेज करते हैं। और दूसरी तरफ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो जहर घोल रही है देश के अंदर उससे भी परहेज करते हैं। और इस दोनों से परहेज करते हुए तीसरी ताकत का एक उदय हुआ है और देश को वो नई दिशा देगा। जी हारून रशीद जी, अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो हमेशा देखा जाता है कि हवा में ही तीसरा मोर्चा सामने आता है और हवा में ही गुल हो जाता है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? अगर आदमी सपना देखना छोड़ दे तो आने वाले कल का निर्माण नहीं कर सकता है। जो देश के नेता है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब विकट परिस्थिति में देश खड़ा हो तो उसको एक नया रास्ता और एक नई दिशा दे। जी तो तीसरे मोर्चे ने एक नई दिशा दी है और नया रास्ता खोजा है। जब नया रास्ता कोई बनता है तो उस पर राही खुद आकर के चलता है। जी कांग्रेस पार्टी का एक तबका ये चाहता है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने को लेकर समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब आपको लगता है कि समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह मच गई है? हमने कहा उनसे समर्थन मांगा है, हम तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमारे नेताओं ने इस गठबंधन का जो मिलकर के तैयारी किया है एक दिशा देने के लिए, कोई ना कोई तो सोचने वाला इस देश में खड़ा होगा कि भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति मिले और देश में जो सांप्रदायिक वाद चल रहा है जो देश में टुकड़ा करने का बांटने का उससे भी मुक्ति मिले, तो सोचने का काम किया है। और जनता इसको नकारेगी नहीं, जनता इसको स्वीकार करेगी। एक बड़ा फैसला 16 तारीख के बाद आपके सामने आएगा, इंतजार करें। चलिए बहुत शुक्रिया हारून रशीद जी आपका सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। घनेन्द्र जी, अभी आपने हारून रशीद जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा हालांकि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये रहे हैं और कांग्रेस से हमेशा परहेज उन्होंने किया है, जो कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उन नीतियों को लेकर हमेशा से वो जनता के सामने जाते हैं और उन्हें परहेज करने के लिए कहते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी उनके लिए? देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो है कम्युनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सहपाठी रहा है, सहभागी रहा है और ये लोग सरकार में उस कम्युनल पार्टी के साथ थे। आज इनको जब लगा कि कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस अपना तोड़ा है, लेकिन चुनाव बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको नजर आएंगे तो इन लोगों का तो कोई स्टैंड ही नहीं रहता, तो कम से कम इन लोगों के बारे में तो कोई बात करना ठीक भी नहीं लगता हमें, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल अलायंस हैं, ये उनके साथ रहे हैं। और 16 मई के बाद जनता दल यूनाइटेड जैसे दल की तो कम से कम इस बात की गारंटी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उनका क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कुछ मुस्लिम वोटों की भी चिंता है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी टाइमिंग अपना डाइवोर्स लिया हुआ है और 16 मई के बाद फिर से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएंगे। और जिस थर्ड फ्रंट की आप बात कर रहे हो, उस थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ये साफ कह चुके हैं कि अगर हमें नरेंद्र मोदी को रोकना है तो हमें तीसरे मोर्चे को समर्थन देके हम सरकार बनवा सकते हैं। देखिए अनीता जी, मैंने पहले भी आपको बोला था कि कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल रिमार्क, कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया इस बारे में नहीं आई है। अगर किसी नेता ने किसी निजी बातचीत में अपनी कोई निजी भावना आप लोगों के सामने रखी है तो उसका मतलब कांग्रेस का मत नहीं है। कांग्रेस का ऑफिशियल रिमार्क कर राहुल जी ने साफ साफ अमेठी में दे दिया है, आप उस रिमार्क्स को ऑफिशियल रिमार्क कांग्रेस का मानिए और बाकी 16 मई के बाद देश में क्या परिस्थिति बनती है, क्या होगा, वो कांग्रेस हाईकमान पार्टी में अगर अन्य नेताओं ने अपनी राय रखी है तो वो ऑफिशियल नहीं। अगर राहुल गांधी ने बयान दिया है तो वो ऑफिशियल हो गया। देखिए राहुल जी हमारे लीडर है, हमारी पार्टी के नेता है, राहुल जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी का ऑफिशियल रिमार्क होता है और जो एक तबका कहता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। फिर आप जिस तबके की या जिन नेताओं की बात कर रहे हो उन्होंने अपनी निजी बात अगर कोई आपके सामने रखी है, किसी मीडिया के सामने रखी है तो उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस का ऑफिशियल रिमार्क्स नहीं है। चलिए, चुनाव के अब 2 चरण ही बाकी रह गए हैं और ऐसे में अब भी नेताओं की बयानबाजी रुकी नहीं है, आइए सुन लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इस समय कैसे वायलेंस को रोका जाए और जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनकी कैसे मदद की जाए ये होना चाहिए और इसके बाद स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। ये बेनी प्रसाद वर्मा पागल आदमी है, हर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ
पागलपंथी बोलते रहते हैं, अनाप शराब बोलना उनका आदत बन गया। इनको इलेक्शन कमीशन को ऊपर एक्शन ले ना ले, और 10 दिन में ये तो इतिहास में जाएगा, रहेगा नहीं। कांग्रेस पूरा इस चुनाव में आउट होगा और बेनी प्रसाद भी आउट होगा, इसलिए उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। थर्ड फ्रंट का कौन अध्यक्ष है पता तो चले, थर्ड फ्रंट में कौन लोग शामिल हैं पता तो चले, इसलिए थर्ड फ्रंट की बात या तो मीडिया करता है या कुछ राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार यूपीए 3 सरकार बनाने की कोशिश में है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम यूपीए 3 बनाने में कामयाब होंगे। आने वाले 16 तारीख तक ये पूरे के पूरे करप्शन और कुशासन का कुनबा तो कबाड़ खाने में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका अब न तो कोई पूछने वाला है और न कोई इसको जो है वो समर्थन करने वाला है, क्योंकि इन्होंने बेदर्दी के साथ बेरहमी के साथ देश को लूटा। तो चुनावी मौसम है, चुनावी समर है, ऐसे में कोई भी नेता छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहा है। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ लगातार बनारस से बीजेपी लीडर अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस इस बात का दावा यहां पर पेश कर रही है कि जो भी इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं उन पर विश्वास नहीं करते, जीत हमारी पक्की होगी और जो थर्ड फ्रंट है ये हवा में है और हवा में ही जाएगी, क्या आपका भी यही मानना है? थर्ड फ्रंट तो मुंगरी के सपने की तरह से है और अभी अभी स्पष्ट भी नहीं है कि कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। जी, कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्रंट थर्ड फ्रंट बन जाए, तो जिसके कारण से वो अपनी राजनीति चला सकें। और अभी मुझको 35 वर्षों तक नहीं लगता है कि थर्ड फ्रंट जो है आने वाला है। जी अजय जी, सलमान खुर्शीद ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए थर्ड फ्रंट को समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। वो जिसको जो है पूरी देश की जनता, पूरा आवाम चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जी, और वास्तविक बात है कि जो है दूसरी पार्टियों के तमाम नेताओं ने भी मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और अगली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार है। जी, तो उसमें किसी तरह का, चूंकि उनका अधिकार है, विरोध में है, इसलिए उनको जो है कहना ही पड़ेगा। जी, क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की इसे कवायद कहा जा सकता है? अजय जी, कांग्रेस पार्टी लाख ये कवायदी है, कवायद है, लेकिन लाख कवायद कर ले, लेकिन कहते हैं कि होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। जी घनेंद्र जी, जी क्या कहेंगे तो ईश्वर भी चाहता है और देश की जनता भी चाहती है। देखिए अजय जी को एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से लोग सपने देख रहे हैं, इनका काम सपने देखने का है, और जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वैसे ही सपने देखते आ रहे हैं। और 2004 से लेके 2009 में भी इन्होंने देखा, 2014 में भी देखते रह जाएंगे। और रही बात नरेंद्र मोदी की, ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी मान लिया है, अजय जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी के नेताओं की 125 करोड़ भारतीयों की तो बात आप बाद में करें, पहले मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, इनको ये मानने पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं बनने। अजय जी, तो क्या अभी भी आप सपने में हैं 2004 से लेकर 2014 तक? काम इनका सपने देखना है। नहीं, हम लोग सपने में कल नहीं रहते हैं, हम लोग ग्राउंड वर्क करते हैं और ग्राउंड के आधार पर जो है अपनी बात को कहते हैं। ये तो दिन में भी सपने देखते हैं, रात में भी सपने देखते हैं। दिन में उठते हैं तो प्रधानमंत्री बन के उठते हैं और रात में सोते हैं तो प्रधानमंत्री बन के सोते हैं। स्विस बैंकों में जाने
घनेन्द्र जी, आप जरूर इस वक्त ये कह रहे हैं यहाँ कि भाजपा इस वक्त सपने देख रही है, 2004 से लेकर 2014 तक सपने में ही जी रही है भाजपा, लेकिन आपका क्या, आपकी पार्टी तो खुद आपकी अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर रही है। यहाँ के कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं, जो हार अभी हुई है आपकी विधानसभा के दौरान, उस वक्त भी अपनी पार्टियों की कमियों को जाहिर किया है उन्होंने, जग जाहिर किया। अनीता जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि विधानसभा चुनावों को आप लोकसभा चुनाव से जोड़ के नहीं देख सकते। विधानसभा चुनाव क्योंकि राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से, राज्य की नीतियों के हिसाब से, राज्य पहले चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, उन चुनाव को आप नहीं मानते, चुनाव से मत देखिए, चलिए आप उन चुनाव को नहीं मानते, लेकिन कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि पार्टी में कई कमियां रही हैं ऐसी, और कई कमियां हैं ऐसी जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हर पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी के हेड होने के नाते उन्होंने उन कमियों को पहचाना, उनको दुरुस्त करा, इसमें दिक्कत क्या है? यह हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अगर हमें लगता है कि कहीं जगह हम वीक हैं तो उसको इम्प्रूव करना हमारा डेमोक्रेटिकल राइट है, उसमें अगर हमने करा है तो उसमें गलत क्या है? जी वही बात अभी आप स्वीकार नहीं रहे हैं ना, तभी तो आप कह रहे हैं कि भाजपा इस वक्त सपने देख रही है, लेकिन सपने में तो कहीं ना कहीं आप भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि देखिए हम सपने, हमारी ही होगी, हम 2004 में भी हुई, 2009 में भी हुई, 2014 की भी। हम सब अनीता जी, हम सपनों में बिलीव नहीं करते, हम काम में बिलीव करते हैं जी। हम इसलिए कॉन्फिडेंट है कि हमने 10 साल में काम करा है, और 10 साल में जो हमारा काम है इस देश की जनता ने सराहा है। सपने किसके सच होंगे ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। जाते जाते आप सभी को छोड़ जाते हैं इलेक्शन सुपर फास्ट की खबरों के साथ, दीजिए इजाजत, जय हिंद। मोदी की तूफानी रैलियों का दौर जारी, पश्चिम बंगाल और यूपी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मिशन अमेठी पर प्रियंका, अमेठी में आज करेंगी रैली। अमेठी में चुनाव प्रचार पर पहुंचे राहुल, आज करेंगे जनसभा। अमेठी दौरे पर बोले राहुल, थर्ड फ्रंट को समर्थन नहीं और ना ही जोड़ तोड़ से बनाएंगे सरकार। सोनिया आज हिमाचल दौरे पर, हिमाचल के कुल्लू और हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। 5 मई को अमेठी में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी। ममता का बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार, कहा बीजेपी के साथ गठबंधन हरगिज नहीं। अमेठी में पोस्टर को लेकर आप और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, कुमार विश्वास के खिलाफ FIR। स्नूप गेट जांच पर बोले शाह, कहा केंद्र ले रहा है मोदी से बदला। बेनी ने साधा दिग्विजय पर निशाना, कहा हम धूप में काम कर रहे हैं और दिग्विजय को शादी की पड़ी है। आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहे, कांग्रेस पार्टी एक सोच है।